नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज सबको 14 नवंबर यानी बाल दिवस की मुबारकबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। देश के बच्चों के नाम आज एक विशेष अपील अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी जो G20 में गए हैं, यानी देश की दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वे मिल रही हैं इंडोनेशिया के एक अहम राज्य बाली में। और वहां पर बात हो रही है विकास की, बात हो रही है तमाम बड़े बड़े एजेंडे की। और ऐसे में हम आपके जरिए देश के प्रधानमंत्री को यह अपील करना चाहते हैं कि इस देश के, भारत के बच्चे किस स्थिति में हैं और उन्हें प्रधानमंत्री से क्या चाहिए। देश जो विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, वह भारत आखिर अपने देश के बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है, कहाँ तक विकास की घड़ी पहुंची है। तीन चीजें जो बहुत जरूरी हैं भारत के बच्चों की, भारत के बच्चों के लिए। उनमें सबसे बड़ी जरूरत है बच्चों को भरपेट खाना मिले। हम सब जानते हैं और शायद पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी G20 में गए हैं, वहां के देश के नेता जो अलग अलग आए हैं, चाहे अमरीकी राष्ट्रपति हो, चाहे चीन के राष्ट्रपति हो, चाहे यूरोप के तमाम ताकतवर लोग, वे सब जानते हैं कि भारत में भुखमरी से हाल खराब है। हम 121 देशों में 107वें नंबर पर, यानी भीषण भुखमरी है भारत में, और इसका सीधा सीधा असर देश के बच्चों पे पड़ रहा है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है उसके मुताबिक, खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बड़े पैमाने पर देश के बच्चे भूखे हैं, कुपोषित हैं, और चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है, यानी बच्चों का जो वजन होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए पहले 5 साल में, उसमें हमारी हाल खराब है। 19.3% है चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा। यानी 5 साल तक के जो बच्चे भारत में हैं, पूरी दुनिया का आंकड़ा है ये। आपको इस समय जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो नक्शा दिखाई दे रहा है, उससे बहुत साफ है कि भारत में सबसे बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे रहते हैं, दुबले पतले कमजोर बच्चे रहते हैं, और उसकी ठोस वजह है। दोस्तों, इसी से जुड़ा एक बहुत खौफनाक आंकड़ा और, पूरी दुनिया में आप सोचिए कितने लोग कुपोषित हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 828 मिलियन लोग पूरी दुनिया में कुपोषित हैं, और इनमें से भारत में बसते हैं 228.3 मिलियन लोग, और इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। बच्चों को पर्याप्त अनाज नहीं मिल पा रहा, भीषण महंगाई है, भीषण गरीबी है, भीषण बेरोजगारी है, और इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। और शायद आज हम और आप जो बाल दिवस पर थोड़ा भी सोचते हैं, हमें इन तमाम बच्चों के बारे में सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए, देश की सरकार से अपील भी करनी चाहिए कि बच्चों की ये जो स्थिति है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। हमने शुरू में बात की चाइल्ड वेस्टिंग रेट के बारे में। यह सीधे सीधे इसका ताल्लुक बच्चों की अकाल मृत्यु से, यह सबसे बड़ा पैमाना है। अब आप देखिए कि 2012 तक यह रेशियो 15% था, और 2021-22 में 19%, यानी बड़ी संख्या में गरीब बच्चे मर रहे हैं, मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया है। मोदी जी इस ओर भी ध्यान। बाल दिवस पर एक और बहुत अहम बात देश के बच्चों के भविष्य, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि
कि लगातार सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं, यानी बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आंकड़े उठाकर देखिए तो 2018 से लेकर 19 तक सिर्फ एक साल के भीतर 51,000 सरकारी स्कूल बंद हुए और यह दर लगातार बढ़ती जा रही है। 2021 और 22 में यह रफ्तार और तेज हो गई है। देश में जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और गरीब बच्चों में सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो गरीब बच्चियों में पड़ती है, दलित आदिवासी बच्चियों पर पड़ती है। और इसको लेकर तमाम आंकड़े सरकार के पास हैं, सरकारी एजेंसियों के पास हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि बाल दिवस पर तमाम और चीजों की बात होती है, बच्चों के भविष्य के बारे में तमाम तरह के दावे सरकारें करती हैं, लेकिन यह बुनियादी काम सरकार नहीं कर रही, बिल्कुल इसका उलट कर रही है। तमाम लोग, तमाम मंत्री यह बोलते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल चलाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा, और वहां पर घोषित तौर पर सरकारी नीति है सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषित नीति है सरकारी। यह सब गरीब बच्चों के भविष्य को चौपट करने की तैयारी के सिलसिले में। एक और बहुत अहम चीज, जो लोग, जो नेता लगातार निजी 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 यानी प्राइवेट 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 का राग अलापते रहते हैं, वे भूल जाते हैं इस आंकड़े को देखना कि कोरोना के दौरान जब आर्थिक मार पड़ी, जब बेरोजगारी बढ़ी, ठीक उसी समय इस देश में जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जो कि बहुत कम हैं, उसके मुताबिक महज एक साल में 40 लाख बच्चों ने निजी स्कूलों से अपना नाम कटाया। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है कि एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटाने पर मजबूर हो रहे हैं। यानी जो शिक्षा का अधिकार देश में लागू है वह पूरी तरह से खत्म हो रहा है, खत्म किया जा रहा है। मोदी जी, बच्चों का नाम लेने से पहले इस दिशा में भी अगर आप सोचें, G20 में जो विकास की रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं उसमें इन बच्चों, इन स्कूलों के बारे में भी सोचें, बड़ा ऐलान करें, तो शायद बच्चों का भविष्य, भारतीय बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री शायद इस आंकड़े से वाकिफ होंगे, क्योंकि यह खुद उनके मंत्री ने संसद में बताया कि लॉकडाउन के वजह से, जो लॉकडाउन लगा कोरोना के बाद, उसके बाद 15 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर, और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 30 करोड़ से भी ऊपर, और तब से लेकर अभी तक इन बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने के लिए सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, किसी योजना का ऐलान नहीं किया। यहाँ हम अपील करते हैं बाल दिवस पर कि कम से कम बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वह उसकी गारंटी हो, और तमाम बच्चों को उनके घर के पास स्कूल की सुविधा मुहैया कराने का काम मोदी जी करें, और इस बारे में G20 में कोई बड़ा नया ऐलान करें। मोदी जी, जो बात, जो स्थितियां भारतीय बच्चों की हम आपके सामने रख रहे हैं, उसका बहुत गहरा रिश्ता इस बात से है कि आपकी सरकार, जी हाँ आपकी सरकार, कितना पैसा खर्चा करती है बच्चों के विकास के लिए। यहाँ बस पिछले 2 सालों का आंकड़ा अगर हम आपको दिखाएं, उससे साफ होता है कि लगातार बच्चों के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसका आवंटन आपकी सरकार कम कर रही है। 2021-22 हो, 22-23 हो, इसके जो बजट हैं इनमें बच्चों के विकास के लिए, बाल विकास के लिए जो खर्चा होता है उसमें 11 से 12% कटौती की गई, जिसे लेकर तमाम लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की। और अब आप देखिए कि एक तरफ आप बजट बच्चों का कम करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बच्चे
भुखमरी का शिकार होते हैं। देश में सबसे बड़ी तादाद है ठिगने बच्चों की, पूरी दुनिया के ग्राफ में भारत के बड़े पैमाने पे जो आबादी है 30% से अधिक बच्चे जो यहाँ के हैं वो ठिगने हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनकी जितनी हाइट होनी चाहिए, जितनी लंबाई होनी चाहिए वो नहीं है। तो सब कुछ अर्थ से जुड़ा हुआ है मोदी जी, इस बारे में सोचिए। मोदी जी, अंत में एक और बहुत जरूरी सवाल। आपकी सरकार ने यह नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और देखिए यूनिसेफ की ये जो रिपोर्ट है यह बता रही है कि भारत में जिस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चियां बच्चियों के माता पिता का भविष्य अनिश्चित हो रहा है, उसमें बाल विवाह बढ़ रहे हैं। और यह रिपोर्ट यह बताती है कि अगर स्थितियों पर नियंत्रण नहीं किया गया, बच्चियों को वापस स्कूल नहीं भेजा गया, तो 2030 तक 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ से अधिक बच्चियां बाल विवाह के बंधन में फंस जाएंगी। आपका नारा पूरी तरह से फेल हो जाएगा मोदी जी, इस दिशा में तुरंत कदम उठाना होगा। और शायद G20 में जब आप तमाम देशों के साथ बैठे होंगे, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, चीन के शी जिनपिंग हैं, और इंग्लैंड में नए नए सत्ता में आए सुनक हैं, उन सब के बीच वहां से देश के बच्चों के बारे में, देश के बच्चियों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि अब G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। ये जो कुछ बिंदु हैं बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में, सब अपने बच्चों के बारे में, इनके बारे में हम सबको सिर्फ 14 नवंबर को ही नहीं, हर समय सोचना जरूरी है, क्योंकि यही देश का भविष्य है। और देश का भविष्य अगर ठिगना होगा, देश का भविष्य अगर कुपोषित होगा, देश का भविष्य अगर बाल विवाह के शिकंजे में जकड़ा होगा, तब भारत विश्व गुरु तो छोड़िए, अपने यहां भी गुरुओं की कमी को महसूस करेगा। शुक्रिया।